शुक्रवार को पुलिस छावनी बनी कोर्ट परिसर नयनगढ़। बम मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर बम की खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन बाद में खोदा पहाड़ निकली चूहे वाली कहावत चरितार्थ हुई, क्योंकि यह बम मिलने की सूचना एक पुलिस विभाग द्वारा चलाई गई मॉक ड्रिल साबित हुई, जिसके बाद यह सर्च मॉक ड्रिल खत्म होने के बाद डीएसपी अमित कुमार ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि यह सुरक्षा को लेकर चलाया गया मॉक ड्रिल ऑपरेशन था। आयोजन किया गया था जिला पुलिस द्वारा नायक परिसर नारायणगढ़ में, और इस मॉक ड्रिल के तहत हमने एक डमी एक यहां पर एक चीज़ प्लेस की थी, एक बैग प्लेस किया था, और बैग में हमने कुछ डमी इक्विपमेंट्स रखे थे, और एक प्रॉपर प्रोसेस के तहत एक व्यक्ति ने ये सूचना दी कंट्रोल रूम में कि इस प्रकार की संदिग्ध वस्तु रखी है। उसकी सूचना हमें मिली, तो जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उसके तहत हमने पहले जो जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है उसको इवैक्यूएट करवाया, और फिर प्रॉपर फायर ब्रिगेड और जो बॉम्ब डिस्पोजल जो स्क्वाड थी उसको सूचना दी। स्क्वाड ने आकर जो सर्च ऑपरेशन कैरी किया, और उन्होंने जो बैग था, जो संदिग्ध बैग था, उसको लोकेट किया। लोकेट करके उसको प्रॉपरली एक प्रॉपर प्लेस पर ले जाकर, ओपन स्पेस में ले जाकर उसको प्रॉपरली डिफ्यूज़ किया, और उसके बाद एक इवैक्यूएशन और एक अगेन एक सर्च चलाई गई, और उसके बाद जो कैंप कॉम्प्लेक्स है उसको एक सेफ कॉम्प्लेक्स घोषित किया गया। तो हमारा यही पर्पस था कि जितनी भी जो मशीनरी है वो एक स्ट्रेंथन हो, और जो सिक्योरिटी ऑफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स है उसको हम और ज़्यादा दुरुस्त कर सकें।